अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे गर्मी पाकिस्तान की. मैं भी बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर रही हूँ, बस घर आके थोड़ा सुकून मिलता है, उसके अलावा तो मेरा ख्याल है कोई सुकून नहीं है. ये मेरा नहीं सेट होना, इसको भी मैंने अपनी तरफ से माइक बनाया हुआ है, लेकिन आई थिंक इसका सेट होने का कोई इरादा नहीं है, बार बार लुढ़क जाता है नीचे. खैर, मैंने कहा कि अब आपको मैंने 5-10 टोटके तो बता दिए, कुछ और बता दूँ ताकि आप लोगों के लिए उसके अंदर अपनी चॉइस बनाना आसान हो जाए. ये मेरे बाल भी एक निकला हुआ, पता नहीं क्यों सुबह से निकला हुआ शायद. अच्छा, तो आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो आपके बालों को सूट करता है उसके हिसाब से. तो फिर हम लोग अपने मज़ीद जो टोटके हैं वो स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको और चॉइस मिल जाए कौन सा भी आपके लिए सूटेबल है उसके लिए. ठीक है, घरेलू खवातीन को एक फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है, वो ये होता है कि वो घर में होती हैं तो वो घर के काम काज के साथ या अपनी मेड से काम करवाने के बाद जब वो फारिग हों तो वो अपने ब्यूटी का ख्याल कर सकती हैं, वर्कआउट कर सकती हैं, अपने बालों का ख्याल कर सकती हैं. उस हिसाब से मेरे पास काफ़ी, मतलब इस चीज़ को मुझे सोचती हूँ ना मैं कहती हूँ कि यार अगर मैं घर होती तो मैं पता नहीं क्या कुछ कर लेती अपनी स्किन के साथ, मेरे बालों के साथ. और मैं इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करती थी, अब ऑब्वियसली अब उतना नहीं कर सकती. लेकिन खैर, अगर आपके पास आप कड़ी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आपके पास लस्सी बची हुई है या आपके पास दही है, आप दही से भी लस्सी बना सकते हैं. उससे आप डेली अगर सर के बालों को धोएं ना, यकीन करें बहुत हसीन और घने और लंबे बाल होते हैं सिर्फ इस एक सिंपल से टोटके से. मतलब आपने लस्सी का पानी ज़ाया नहीं करना, आपने उससे अपने बाल धो लेने हैं. फिर अगर जिन लोगों के बालों की नोकें जो हैं वो फटती हैं, स्प्लिटेंड्स हो जाते हैं या किसी भी तरह का कोई मसला इस तरह का हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आयरनिंग भी करते हैं, हम ब्लो ड्राई भी करते हैं, तो स्प्लिटेंड्स हो ही जाते हैं, या बाल हमने खुले छोड़े होते हैं उस सूरत में भी स्प्लिटेंड्स हो जाते हैं. तो उसकी जो नोके हैं ना उनके ऊपर के कहते हैं, या अपने सर की जल्द पर अगर आप मक्खन की, जो घर का बना हुआ मक्खन होता है, उसकी मालिश करें ना, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है. ठीक है, सो बालों के गिरने से बालों के दरमियान थोड़ी सी जगह जो खाली हो जाती है, थोड़ा जो बॉल्डनेस आ जाती है, या कह लेंगे एक पैच कोई आपका हो गया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने दही और बेसन को मिला के ना बराबर उसकी आपने एक सोप सा बना लेना है, उसको फ्रीज कर लें. तो उस जगह रगड़ने से ना, जैसे आप उस जगह आप उसको रगड़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे बाल आने शुरू हो जाते हैं. तो ये ट्राई करके देखिएगा. फिर एक और है कि बाल अगर जिनके लोगों के सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे वो सरसों के तेल की मालिश करें. अगर आप रेगुलर मालिश करते रहते हैं, तेल ऑयलिंग करते रहते हैं, तो आपके बाल इतनी जल्दी सफ़ेद नहीं होते. कुछ लोग कहते हैं कि हमारा इनहेरिटेंस में है कुछ, तो वो लोग इस चीज़ को छोड़ ही देते हैं कि हमने अब ख्याल करना ही नहीं है, हो रहे हैं तो होते जाएं, जैसे मर्ज़ी हो, ख़राब हो या सफ़ेद हो, हमें कुछ ना कुछ तो उसका मतलब यू नो सोल्यूशन निकालना ही चाहिए. और भांडो और वो लोग बालों को धोने के लिए जो नीम का साबुन होता है ना, नीम के पत्तों का एक्सक्यूज़ मी, वो इस्तेमाल करें. ठीक है, एक और चीज़ भी जो बॉल्डनेस हो जाती है उसके लिए है कि आपने अंडों का जो तेल है ना वो उस जगह पे लगाना है. अंडों के तेल से बड़ा मैंने सुना भी हुआ और मैंने यूज़ भी किया था, मैं यहाँ लगाती थी कि उससे आपकी जो है ना बाल आने शुरू हो जाते हैं. काफ़ी महंगा मिलता है, आप घर में भी अंडे को साड़ के बना सकते हैं जलाकर. अब मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एक पाउडर और उसके बाद मैंने आपको एक तेल की रेसिपी बतानी है, वो आप बना के अगर रख लेंगे तो मेरा ख्याल है आपको बहुत सारी जो है तेल और उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी. एक दफ़ा ही आपने थोड़ी मेहनत करनी है, उसको बना के रख लेना है.
सबसे पहले तो आपने जो पाउडर बनाना है उसके लिए क्या करना है, ये बालों को लंबा करने के लिए, और बहुत ही मतलब ज़बरदस्त किस्म का है। आपने उसके लिए 1 पाव आंवला लेना है, 1 पाव सिकाकाई लेनी है, 1 पाव रीठे लेने हैं। सबको अलग अलग आपने बारीक पीस के रख लेना है, ठीक है। और जब बाल धोने हो तो तीनों जो अशिया है उनका पाउडर एक एक चमचा पानी में डालकर उबाल लें। उसके बाद जब पानी आधा रह जाए ना तो सर के बाल धो लें। थोड़ी देर बाद आपने सादा पानी से बालों को धो लेना है। पहले आपने उस पानी से धोना है जो आपने उबाला है आंवला रीठा सिकाकाई को डाल के उसके पाउडर को, और उसके बाद आपने सादे पानी से अपने बाल धोने हैं। ये तो मेरी बहन भी करती रही थी, और हमारे बाल बहुत लंबे होते थे। अब आकर थोड़े से ज़रा, अभी भी मेरे अल्लाह का शुक्र है लंबे हो जाते हैं, मैं बड़े बड़े कटवा देती हूँ। मैंने कोविड में इतने थे करवा दिए थे, और माशाल्लाह से फिर काफ़ी लंबे हो गए। लोगों ने तो मुझे ये भी कहा था कि अब तो उम्र ज़्यादा हो गई है और बाल लंबे नहीं होते, लेकिन मेरे 2-3 दफ़ा बाल माशाल्लाह 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 लंबे हो चुके हैं। खैर, ये तो पाउडर था। अब स्पेशली वो लोग जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, झड़ते एक तो होता ना कि आप कंघी कर रहे हैं और खुद तोड़ रहे हैं, वो झड़ना नहीं होता। झड़ते हैं कि आप उठ रहे हैं, आपके तकिए पे बाल लगे हुए हैं, आपके कपड़ों पे बाल लगे हुए हैं, आपके बिला वजह बाल मतलब इस तरह से हो रहे हैं, वो होते हैं झड़ना। लेकिन अगर आप जाहिलों की तरह, सॉरी टू से, अगर आप जाहिलों की तरह धो रहे हैं बाल, ज़ोर ज़ोर से हाथ लगा के मल रहे हैं, बुरे तरीके से शैम्पू कर रहे हैं, तो फिर आप उनको झड़ना नहीं कह सकते। मेरे बाल नहीं टूटते जब मैं शैम्पू करती हूँ, जब मैं कंघी करती हूँ ना तब मेरे बाल थोड़े से टूटते हैं, क्योंकि वो मेरी अपनी गलती होती है। हम में पेशेंस नहीं होता, हम ज़ोर ज़ोर से खींचते हैं, बालों को कंघी करते हैं और फिर हमारे उस वजह से टूटते हैं। तो खैर, जिन लोगों के बाल झड़ते हों उनके लिए ये तेल बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे बाल लंबे भी होते हैं, बाल टूटना और गिरना भी बंद हो जाते हैं। जिनकी जड़ें कमज़ोर हों उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आपने पहले रोगने जैतून लेना है, रोगन होता है तेल, जैतून का तेल लेना है, तिलों का तेल लेना है, अब आंवला का तेल लेना है। ये आपको मिल जाएगा किसी भी अच्छी ऑर्गेनिक पंसारी की दुकान से, और नारियल का तेल लेना है। सारे आपने हम वजन लेने हैं, मतलब सेम वेट के लेने हैं, जितनी मिकदार सबकी लेकर उनको मिला के रख लें। कोई पकाना नहीं है, कुछ नहीं करना, इनको बस रख लें मिक्स करके, और इनको थोड़ा सा वार्म करके ना माइक्रोवेव में बेशक कर लें, 20 सेकेंड पे, 30 सेकेंड्स पे, चाहे गर्मियाँ भी हैं, हल्का सा अगर आप गर्म करके तेल लगाते हैं ना तो उससे बालों को डिफरेंट इफेक्ट पहुँचता है। तो ये अब आप बहुत, मैंने आपको ज़बरदस्त तेल और पाउडर भी बता दिए हैं, छोटे छोटे वाले जो रेगुलर बेसिस में हम जल्दी कर सकते हैं वो तो हैं ही हैं, ये तो हम बना के रख सकते हैं और इनको हम बड़े इजीली यूज़ कर सकते हैं, तेल को पाउडर को, क्योंकि आपके बाल जो हैं वो आपकी ब्यूटी में इजाफा करते हैं, विच इज़ फॉर श्योर कि सारे इस चीज़ से एग्री करेंगे। तो उनके लिए, उनकी हेल्थ का और उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सॉरी मैं थोड़ी वो डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मेरी बिल्ली इधर उधर फिर रही है, तो आपको तो पता ही है मैंने बिल्लियाँ रखी हुई हैं, तो वो बस आवाज़ें निकाली तो मैं उसको देख रही थी, पता नहीं इसको क्या हो गया। तो चलिए इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं कुछ नई टोटकों के साथ। देखती हूँ कि बालों के शेयर करूँ या स्किन के करूँ या नाखूनों के करूँ या आई लैशेज के करूँ या आईब्रोज के करूँ, कौन से करूँ। आप मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।